नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। हरियाणा के नगर निकाय मंत्री विपुल गोयल ने वीरवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रदेश में सफाई, बेसहारा पशु व प्रॉपर्टी आईडी की समस्या को लेकर समीक्षा बैठक में अधिकारियों को अलग अलग कामों के लिए तय समय सीमा के अंदर टास्क पूरा करने के आदेश जारी किए गए। दीपावली से पहले शहरों में सफाई व्यवस्था, लाइट को दुरुस्त करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। वहीं प्रॉपर्टी आईडी को लेकर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि यह बड़ा प्रोजेक्ट है, इसकी तमाम खामियों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। अब आपको दिखाते हैं चंडीगढ़ में प्रदेश भर से आए नगर निकाय अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने क्या प्रतिक्रिया दी। जीएलपी डिपार्टमेंट की एक पूरे हरियाणा की वृहद मीटिंग थी, जिसके अंदर जिसकी चेयरमैनशिप माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, और उसके अंदर चाहे सैनिटेशन स्वच्छता से रिलेटेड कोई बात हो, चाहे रोड पर घूमते हुए आवारा पशुओं की बात हो, या गौमाता की गोवंश की बात हो जो रोडों पर घूम रहा है, उसके अलावा स्वच्छता से रिलेटेड, लाइटों से रिलेटेड और जितनी भी समस्याएं थी, जो आज समाधान दिवस हो रहा है उसका अपडेट लेना कि समाधान दिवस के अंदर कितनी कितनी समस्याएं आई हैं, किस तरीके से उसका निवारण हो रहा है, एक पूरी डिटेल चर्चा आज यहाँ मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई है। और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं, चाहे स्वच्छता का काम हो, चाहे डेवलपमेंट का काम हो, चाहे रोड पर जितने भी पशु घूम रहे हैं उनको लेकर, उनको गौशाला के अंदर नंदी हैं चाहे हमारी गायें हैं, उनको अपने गौशाला के अंदर लेकर जाना, इस सब पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। और बड़ी तेज़ी आप लोगों को यूएलबी के अंदर देखने को मिलेगी, चाहे डेवलपमेंट का काम हो, चाहे स्वच्छता का काम हो, चाहे अन्य जितने भी काम है, उसमें तेज़ी लाने के लिए आज ये वृहद मीटिंग। इतनी स्वच्छता, आज दिवाली का जो त्यौहार अगले हफ्ते आ रहा है, और दिवाली के लिए जितनी भी स्ट्रीट लाइटें हैं उनको चाक चौबंद करके बड़ी तेजी से उन लाइटों को लगाया जाए, जो खराब लाइटें उनको बदलवाया जाए, और स्वच्छता के अंदर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, ऐसे निर्देश आज यहाँ से दिए गए। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर भी रिव्यू किया गया है, बड़ी तेजी से उनके सोल्यूशन की तरफ चल रहे हैं। जितनी प्रॉपर्टी आईडी में समस्याएं थी वो धीरे धीरे घटती जा रही हैं, और आने वाले 1-1.5 महीने में हम उस पर काबू पा लेंगे। और जितनी भी जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं रेगुलर बड़ी तेजी से प्रॉपर्टी आईडी की कम हो रही हैं, समाधान दिवस के अंदर भी अभी पिछले टाइम से, पिछले हफ्ते या पिछले महीने के अनुपात में बहुत कम समस्याएं दर्ज हुई हैं, लेकिन उसका एक पूरी डिटेल चर्चा उस पर होगी है। और आने वाले 1-2 महीने में प्रॉपर्टी आईडी के अंदर जो प्रॉब्लम है, क्योंकि एक बड़ा काम था लेकिन बहुत ही अच्छा काम था कि जो एक हरियाणा को एक नए आयाम देने का काम करेगा और उसके रिकॉर्ड को बहुत अच्छे तरीके से दुरुस्त करने का काम करेगा, तो इसमें छोटी मोटी समस्याएं थी उनका सभी का समाधान निकाला हुआ है। और आज मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए, मंगलवार से रेगुलर समाधान दिवस हर जगह पर 2 घंटे के लिए 9 से 11 सभी ऑफिसर्स बैठेंगे, उसका निवारण करने का काम करेंगे।